इश्क तो लाजवाल होता है। Saad Bajahar. And this is my favorite perfume. तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में? मैं तो आपका चार्जर लेने के लिए आई थी। मामू ने मंगाया था। चार्जर लेने आई थी और तुम यहाँ ये मेरी कैप पहन के मेरी नकल उतार रही थी। तुमने मेरा परफ्यूम भी यूज किया है? I'm sorry. What sorry यार? थोड़ी सी तमीज है कि किसी के रूम में बगैर पूछे नहीं आया जाता। ये गिफ्ट किया था मुझे किसी ने, बस A1 ग्रेड ले आई, ये तुम्हारे लिए बहुत है। तमीज नहीं सीखी थोड़ी सी भी, बस अपने दिल में आया बस लगा लिया। बेवकूफ़ लड़की, अब जाओ यहां से, यहां क्या खड़ी हुई हो? चाहे सी रूम में बगैर पूछे घुसा लो। मैं सबा की दूसरी शादी करना चाहता हूं। थोड़ी सी तमीज है कि किसी के रूम में बगैर पूछे नहीं आया जाता। ये गिफ्ट किया था मुझे किसी ने, बस A1 ग्रेड ले आई, यही तुम्हारे लिए बहुत। चाहती कि परी का मुस्तकबिल संवर जाए, तुम्हारा अपना घर हो। परी तुम्हारे साथ जाएगी। काश सात भाई को भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत हो जाए जैसी मुझे उनसे। या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी मदद कर, मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। अब्बा जी चाय। तुमने सबा के लिए आपा भी से बात की? जब सबा राजी नहीं है तो फिर मैं कैसे बात कर सकती हूँ अब्बा जी? तुम फोन लेके आओ, मैं खुद बात करता। मैं फोन लेकर आती हूँ। जी, सलाम अलैकुम आपा भी।
कैसी हैं आप? वो जी जी बिल्कुल, आपसे बात की थी ना मैंने अपनी नंद के रिश्ते के लिए, सभा के लिए। ये अब्बा जी से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे अपनी बेटी की दूसरी शादी के सिलसिले में बात करना चाहता था जी। लड़का बस 40-45 की उम्र हो, अगर बीवी इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो बस जरा खाते पीते घराने का होना चाहिए और किरदार का बहुत मजबूत हो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को किसी किस्म की तंगी नहीं होनी चाहिए। जी 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 बेटा बेहतर, वो कह रही है 1-2 दिन में बताएंगे। अच्छा मैं देखती हूँ, सभा होगी शायद, सब्जी लेने गई थी ना। देखो सभा। सलामकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सभा इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। अब्बा जी के लिए खाना भी बनाना था। वो भाभी सिलाई सेंटर चली गई थी, सोचा कि सिलाई आती है तो थोड़ा काम कर लूं, चंद पैसे ही आ जाएंगे। फिर मिला काम? नहीं, नंबर देकर आई हैं, उन्होंने कहा है कि जगह खाली होगी तो बुला लेंगे। सभा बिला वजह खुद को थकाने से बेहतर है कि कोई एक सही फैसला कर लो। जो फैसला आप लोग चाहते हैं वो नहीं करूंगी मैं। सारी जिंदगी खुद से शर्मिंदा नहीं होना चाहती। क्या हो गया, शर्मिंदगी की क्या बात है? दुनिया में बहुत से लोगों की दूसरी शादी होती है। होती होगी, उन लोगों की जिनकी इतनी बड़ी बेटी नहीं होती। तो तुम परी के लिए करोगी ना सब कुछ, अपने लिए तो नहीं कर रही हो? और वैसे भी हम परी की हर ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। वजाहत ने अब्बा जी से कह दिया है कि अगर सभा तैयार है तो आपसे दूसरी शादी करवा दीजिए। आप फिक्र ना करें भाभी, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। दुनिया में बेसहारा लोगों के लिए भी कोई ना कोई जगह तो होगी। सभा तुम हमारे खुलूस का ना बहुत गलत फायदा उठा रही हो। अम्मी अम्मी, तैयबा के भाई की मंगनी है अगले जुम्मे को, मुझे एक नया ड्रेस ला के दे। मैं इस वक्त कोई भी नया सूट नहीं दिला सकती, ईद वाला पहन के चली जाना। अम्मी इस सीट पे तो बाबा की डेथ हुई थी, आप क्या कह रही हैं कि मैं 2 साल पुराना ड्रेस पहनूं? इतनी बार पहन चुकी हूं मैं, अब तो वो गिर चुका है, अब नहीं मैं पहनूंगी, मुझे नया ड्रेस चाहिए। जाना है तो जाओ, वहीं पहनकर जाओ। पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम्हें नए ड्रेसेस बना के देती रहूं। इससे तो अच्छा है मैं जाऊं ही ना। आप तो हमेशा यही करती हैं, आपको सिर्फ डांटना आता है मुझे। बाबा होते ना तो फौरन से जाके मेरे एक नया ड्रेस लेकर आते। ऐसे करो कि परी की परवरिश, ये सब होगा उसके साथ। सबा तुम्हारी खुशियों को तो आग लग गई है, मगर उस बच्चे की खुशियों और उसकी ख्वाहिशात को आग मत लगाओ तुम। क्या करो, क्या करो? मैं हमारी बात मान जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारी और परी की खुशियों का वाहिद हल यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं सभा की दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इश्क तो लाजवाल होता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। भजन रहमान को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 6 साल नहीं हुए हैं। वो इस दुनिया से तो जरूर चले लेकिन मेरे दिल से नहीं गए हैं वो। इश्क का ये कमाल होता है।
जिनके अब्बू मर जाते हैं ना, उनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती। दुनिया तो तब भी कहेगी जब तुम आयागिरी करोगी, लोगों के कपड़े सियोगी। इससे बेहतर नहीं कि तुम किसी के दिल पर राज करो। तुम्हारा अपना घर हो, तुम अपने घर पर राज करो। तेरी यादों से कह दिया हमने, अब गले क्यों। क्या मैं और अम्मी आप लोगों पे बोझ है? तुमने मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, मुझको आँखों से गिर के मरते हुए आँसुओं पे मना। अम्मी, अम्मी कहाँ है? भूख लगी है, खाना लगा है, मैं चेंज कर आ रहा हूँ। हाँ हाँ बेटे, खाना बिल्कुल तैयार है, रोटी बन गई है, तुम आ जाओ, मैं लगाती हूँ। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ परी? आपको इससे क्या? आपने तो मुझे डांट के निकाल दिया था अपने कमरे से। वो तो मेरा परफ्यूम यूज करी थी इसी वजह से, वो भी अपने गंदे से कपड़ों पे। मेरे कपड़े कभी गंदे नहीं होते। अच्छा, लेकिन अभी तो 12 बजे ही ना तुम्हारे चेहरे पे, बात क्या है? आप क्या लगते हैं मेरे? कजन हो तुम्हारा, इकलौते मामू का इकलौता बेटा। साथ भाई कहके पुकारती हूँ मुझे, और कोई तीसरा रिश्ता भी बताऊँ? हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा जब तक बात नहीं बताऊंगी। हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर हूँ, मरम लगाना आता है मुझे। बात बताओ क्या? अच्छा बता रही हूँ, हाथ तो छोड़े। वो मेरी दोस्त है ना दयाबा, उसके भाई की मंगनी है। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे एक नया ड्रेस लेकर दे दें, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लेकर दे सकती। तो क्या हुआ, नहीं जाऊंगी मैं? ज्यादा से ज्यादा नाराज होगी ना मुझसे, होने दे। जब मैं बाबा की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मैं दोस्त की नाराजगी भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, क्या हुआ, थके भी लग रहे हैं? वालेकुम सलाम। हाँ बेटा बस मत पूछो, आज तो ट्रैफिक में बड़ा खुआर हुआ, 2 घंटे तक फंसा रहा। एक्सपो चल रहा है ना, वो एक्सपो की नुमाइश, आम की आजमाइश। बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा ये परी कहाँ है? उसके चार्जर पे मेरा मोबाइल लगा दो, मेरा तो खराब है, खरीदने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे दो, मैं लगा देती हूँ, लाओ दो। मैं लगा दूँ? मैं लगा रही हूँ ना, परी का मूड ऑफ है, सबा से डांट पड़ी है उसे, नया जोड़ा लेने की जिद कर रही थी। अरे अब्बू, 1000 रुपए मेरे पास हैं, 500 रुपए अगर आप मिला देंगे तो जोड़ा आ ही जाएगा ना। साथ क्या हो गया, कितनी दफा समझाया ये फजूल की हमदर्दियां ना किया करो, नहीं अच्छी लगती मुझे। ओहो क्या हो गया रियाना, ठीक तो कह रहा है। हाँ 1500 रुपए बस एक दिन में फूंक दे, उसके बाद सारे महीने पेट्रोल के पैसे मुझसे मांगे। अच्छा तो ठीक है फिर मैं ले आता हूँ। वजाहत बस कर दें, क्या हो गया आपको? अरे यही तो वक्त है सबा को इस बात का एहसास दिलाने का कि वो अकेली बच्ची की तरबियत नहीं कर सकती।
उसे बाप की जरूरत है। कब तक इस तरह से आयागिरी कर और लोगों के कपड़े सीसी कर गुजारा करेगी? ऐसे काम नहीं चलेगा। और इंटर पास को कोई नौकरी भी नहीं मिलती। तुम्हारा अब्बा जान तो एक बात के पीछे ही पड़ गए। अगर सबा राजी भी हो गई तो कोई रिश्ता है क्या? अरे जहाँ चाह होती है वहीं रहा होती है। आप अभी का इत्तफाक से आज ही फोन आया था कि एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है सबा के नसीब से। उफ अम्मी, मैं परी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, आप लोग पप्पू की शादी की बात करने लगे। अरे तो ये भी तो नेकी है ना भाई। मैं तो नहीं पीछे हटने वाली इस नेकी से, और आप भी उसके बड़े भाई हैं, आप भी अपना फर्ज पूरा करें। बेटा ये जो औरत है ना, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। क्या कह रहे हैं? नहीं मैं तो ये कह रहा था कि हम तो आपकी हर नेकी में आपके साथ हैं, शरीक हैं आपके साथ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, आप चाय पी लें। हाँ। मैं फोन चार्ज पे लगा कर आती हूँ। जी जी। ये देखो तो। नहीं देख रहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। नया सूट चाहिए था ना मम्मी पे पहनने के लिए। ये देखो तुम्हारे लिए ये ड्रेस बना ली। अरे वाह मम्मी, लेकिन ये तो वही ड्रेस है ना जो बाबा ने दिया था आपको एनिवर्सरी पे। हाँ, मैंने काट के तुम्हारी फिटिंग का कर दिया। प्यारा है ना? थैंक यू सो मच अम्मी, मुझे पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपको भी पता ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की थी। चलो पहन कर दिखाओ। हाँ? देखें, अच्छा लग रहा है ना? हसीन लगोगी, हसीन, बस नजर ना लगे तुम्हें। और इसका दुपट्टा ये मैं नया लाई। थैंक यू। अब्बा जी। ये देखें, ये खावर महमूद हैं। आप अभी बता रही थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है इनका। इतनी बड़ी कोठी है डिफेंस में जिसमें हमारे जैसे पता नहीं कितने घर आ जाएंगे। अभी 3 महीने पहले इनकी बीवी का इंतकाल हुआ है। ओह, तो रिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अब्बा जान, परफेक्ट रिश्ता है बिल्कुल। आप अभी बता रही थी कोई डिमांड नहीं है उन लोगों की, बस अब उन्हें एक सुलझी हुई समझदार खातून की जरूरत है जो उनके बच्चे और उनका घर संभाले। दो ही बच्चे हैं और बड़े हैं, सब आराम से हैंडल कर लेगी। अच्छा है ना, परी को भी भाई बहन मिल जाएंगे। हाँ ये तो है। आप ही ने परी के बारे में बात की उनसे? हाँ, वो आप अभी बता रही थी कि उनकी जो भाभी है ना खावर महमूद की, उन्होंने खुद कांटेक्ट किया था, तो आप अभी बता देंगे उन्हें सब कुछ। वो बता रही थी कि उनकी भाभी को हमारी सबा की तस्वीर इतनी पसंद आई है, वो चाहती हैं बस अपने बेटे के पास कनाडा जाने से पहले ना इनका घर बसवा दे। सबा, सबा माशाल्लाह भाई तुम्हारी किस्मत तो लाखों की है। दूसरी मर्तबा भी देखो कितना अच्छा बर मिला है। लेकिन मैंने तो हाँ नहीं की है। अब्बा ये सब क्या हो रहा है? तुम चलो मैं तुमसे बताती हूँ। मैं आपसे नहीं बात करना चाहती, आपसे बात करना चाहती हूँ। ये बताए ना मुझे कितना बोझ हो गई हूँ मैं। बैठो, बैठ जाओ। बेटी बाप पर बोझ नहीं होती सबा। बेटा
हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा खुश रखे। यही तो समझा रही हूँ मैं आपको। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, मेरे हिस्से में जितनी खुशियां मिली थी मिल गई, और जो हादसा होना था वो भी हो गया। मेरी जिंदगी में इस वक्त अहमियत सिर्फ परी की है। उसकी शादी कराएं आप, उसकी उम्र है, उसके बारे में सोचें। बस यही फर्क है मेरी और तुम्हारी सोच में। तुम सिर्फ परी के बारे में सोच रही और मुझे तुम दोनों की फिक्र। जो मैं पहले गलती कर बैठा हूं ये दोबारा नहीं करूंगा। क्या मिल गया तुम्हें कम उम्र में शादी करके? 36 साल की हो तुम और बेवा हो गई, मगर ये ज्यादती मैं परी के साथ नहीं होने दूंगा। ये वो छोटी है, मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, उसे डॉक्टर बनना है। नहीं बनेगी वो डॉक्टर, नहीं बनेगी वो डॉक्टर। मैं उसे समझा दूंगी, वो अपनी इस खुशी से दस्तबरदार हो जाएगी। नहीं बनेगी वो डॉक्टर, समझ जाएगी, मैं समझा लूंगी उसे। उसे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम्हें छोटी छोटी सी चीजों के लिए तुम और परी तरसते फिरते हो। क्या मुझे नजर नहीं आता अंधाओं में? तो परी ने कॉलेज में मेडिकल के लिए वजह से कहा तो रेहाना और वजह अपने अपने खर्चे गिनवाने लगे। क्या मुझे नजर नहीं आ रहा है सब कुछ? ये कोई बात है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर बात पे वो अपने बाप को याद करती है, हर बात पे उसका एहसास से कमतरी बढ़ता जा रहा है। मेरी बात याद रखना, ये एहसास से कमतरी और बढ़ गया तो इस खलल को तुम पूरा नहीं कर सको, बिल्कुल नहीं। मार जाओ रिश्ते के लिए, मान जाओ। बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा होगा, उसके मुस्तकबिल के लिए। तो बेटा मैं तो गलत नहीं कह रहा हूं, मुझे सुकून से मरने दो, मैं बेसुकूनी में मरना नहीं चाहता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मान जाओ मान जाओ। मेरे आपके दुश्मन, अपने बच्चे की खातिर मार जा बेटा, उसके मुस्तकबिल की खातिर मार जा। मने, मने, मुझे आपका फैसला कबूल है, लेकिन परी के साथ ज्यादती हो जाएगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगी बेटा, बिल्कुल नहीं। सबा क्या हो गया? जब एक बार हाँ कह दिए तो अब रोने का क्या फायदा? अल्लाह पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है ना। अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन भाभी मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं परी को कैसे बता। वो तो हंगामा खड़ा करेगी, कभी नहीं मानेगी, सेल्फिश समझेगी मुझे। क्यों समझेगी भला? ये सब कुछ तुम उसके लिए तो कर रही हो, अपने लिए थोड़ी कर रही हो। और तुम देखना, जब परी को पता चलेगा ना कि तुम लोग अपने नए घर जा रहे हो तो कितना खुश होगी, भंगड़े डालेगी। वैसे भी बड़ी लावबाली सी बच्ची है। चलो शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। ये लो। कहाँ रह गई ये परी? परी!
कैसे बताऊं मैं? परी जल्दी आओ। जी अम्मी, शुक्र है सारे काम हो गए आपको। बता, बर्तन भी धो लिए, नाना अबू को दवाई भी दे दी, पानी भी भर के रख दिया। अब आप बता, आपका क्या काम है? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। बोले अम्मी। हाँ, वो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम कहीं कहीं और चल के रहें तो। चाचा जान के घर? नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं। तो फिर रेंट पे? नहीं, रेंट रेंट पर भी नहीं। वो वैसे तो अम्मी, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। मामू हैं, नाना अबू हैं, मामी हैं, और पे सात भाई भी तो हैं यहाँ पर। लेकिन मेरी असल दुनिया तो आप हैं। जहाँ आप बोलेंगी ना, मैं वहाँ जाके आपके साथ रह लूँगी। लेकिन जाना कहाँ है? तुम्हारे वो नाना फोन, तैयबा का फोन होगा। तैयबा, अम्मी इसको भी ना रात में इस वक्त मुझसे बात करनी होती है, मैं भी आ रही हूँ। अम्मी मेरा एडमिट कार्ड तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अलमारी खोलो। ये वाली है या ये? ये, हाँ। अच्छा, थैंक यू, मिल गया। अपनी चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। अगर मैं ना हूं तो कैसे ख्याल रखोगी? जब आप हैं तो क्या जरूरत है ख्याल रखने की? तुम रात को इतनी देर से कमरे में आई, मेरी तो आंख लग गई थी। आपको तो पता है ना, तैयबा के पास कितनी गॉसिप्स होती हैं, पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई। लेकिन मेरी बात तो रह गई ना। तो बोले, इधर आओ बैठो। परी, चलो यार, लेट हो रहा हूँ मैं। पप्पू, अल्लाह हाफिज। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अम्मी बहुत गुस्सा करेंगे, आके सुन लूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबा, आज शाम को खावर महमूद और उनकी भाभी तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। जानक भाभी? लेकिन मैंने तो परी से बात नहीं की। अरे क्या जरूरत है उससे बात करने की? अभी मत बताओ उसे, वो लोग आ जाएं, मिल लो, बातचीत हो जाए, फिर बताना। बल्कि मैं खुद ही बता दूंगी, उनसे तो ये काम भी ठीक से नहीं होगा। लेकिन भाभी मुमकिन कैसे? परी की मौजूदगी में तो नहीं मिल सकती, वो सौ सवाल करेगी। अरे भाई, वो उसकी दोस्त है ना, क्या नाम है? तैयबा। हाँ, तैयबा। तैयबा के भाई की ना मंगनी है आज, इसीलिए मैंने खावर महमूद को आज का टाइम दिया था, ताकि तुम सुकून से मिल लो उन लोगों से। कपड़े निकाल दिए मैंने तुम्हारी, लाइट चली जाएगी, इस्त्री कर लो जल्दी से। और हाँ, जरा अच्छे से मेकअप वेकअप कर लेना, बाल भी जरा सही कर लेना है, जल्दी कर लो, टाइम नहीं है। ये मेरी नंद है, सबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ यहाँ बैठो मेरे पास। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। एक्सक्यूज मी। माशाल्लाह इतनी प्यारी है भाई, खावर के लिए तो पहली नजर में मैंने इसे पसंद कर लिया था। आप चाय लीजिए ना, बनाओ। माजरत, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। वैसे मेरी तरफ से हाँ है। अगर कोई डिटेल्स मालूम करनी हो तो आप मेरी भाभी से पूछ सकते हैं। भाभी बेगम, आप जब भी आना चाहें मुझे बता दीजिएगा, मैं ड्राइवर को भिजवा दूँगा। ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। खुदा हाफ़िज़। वाह मामी, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? सलाम करते हैं घर में आती। अस्सलाम वालेकुम। और ये ड्रेसेस, ये किसके हैं? कितने प्यारे हैं। मेरी बात सुने, कहीं सच्चो हाला की बड़ी बेटी महनाज की शादी तो नहीं हो रही और सारा सामान उन्होंने हमारे घर पे रखवा दिया? भला ये कोई उम्र है शादी करने की? बिल्कुल अम्मी के बराबर है, क्या जरूरत पड़ी है शादी करने की? क्यों क्यों जरूरत नहीं है, नसीब की बात होती है सारी। और वैसे भी सजो खाला की बेटी की नहीं, तुम्हारी अम्मी की शादी हो रही है। जी हाँ, अरे खावर महमूद जैसा शोहर तो किस्मत से मिलता है। तुम्हारी अम्मी की तो किस्मत बदलेगी, साथ साथ तुम्हारी भी किस्मत बदल जाएगी। साथ बेटा ये मिठाई सारी किचन में रखवाओ, जरा जल्दी करो। अम्मी, आपको परी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अभी अभी तो खुशी खुशी अपने दोस्त के घर से आई है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप उसे ये बात बहुत प्यार से और आराम से भी तो कह सकती थी। बात यह है कि परी जितना जल्दी इस हकीकत को कबूल कर ले वो उसके लिए बेहतर है। दो हफ्ते में सबा की शादी हो जाएगी, परी उसके साथ जाएगी। चा? मगर इतनी जल्दी? मुसीबत और जिम्मेदारी जितनी जल्दी सर से उतर जाए उतना ही अच्छा है। अम्मी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं। साथ साथ मेरी बात सुनो। खावर महमूद कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, खावर महमूद कौन है? अम्मी क्या वो कोई जवाब नहीं है देने के लिए? और बाहरी मामी, मामी क्या कह रही हैं? क्या आपकी उससे शादी हुई थी? ये बात सच है अम्मी? मामी सच कह रही है। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हैं? जो तुम यहां बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं बैठना, मुझे क्या बताएंगी आप मुझे? अम्मी
सारी मिठाई, कपड़े, जूते, जेवर, सब कुछ तो तय कर चुकी हैं आप, क्या बताएंगी मुझे? ग्रीन जोड़ा तो मेरे बाबा का फेवरेट था अम्मी, आप उन्हें खुश करने के लिए ये पहना करती थी। इससे तो साफ जाहिर होता है अम्मी कि आपने मेरे बाप को बुलाने ही भूली। मैं नहीं भूल सकती। और तुम इन तैयारियों को मत देखो, मेरा दिल देखो, इस माँ का दिल देखो। ये जो कुछ कर रही हूँ मैं तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, और ये मेरा फैसला नहीं है परी, ये तुम्हारे नाना का फैसला है। नाना मेरे साथ ऐसे ज्यादती कैसे कर सकते अम्मी? सारा दिन मुझे बोलते हैं मेरी परी, लेकिन अब क्या करने अम्मी? मैं जाके नाने से पूछती हूँ। परी नहीं, परी तमाशा लग जाएगा। परी क्यों रोक रही हैं? मुझे छोड़ी, मैं नाने से पूछना चाहती हूँ। अभी जाके सवाल करो कि वो परेशान हो जाएंगे। जो परेशानी उन्होंने मुझे दी है, मैं कितना परेशान हूँ उसका क्या? इतनी मुश्किल से उनकी तबीयत संभली है, वो बिगड़ जाएगी। परी ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाओ, डॉक्टर बनो तुम, ये मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। परी कितने बच्चे हैं उनके? दो, बेटा और बेटी। अच्छा, तो ये शादी बार्टर सिस्टम के तहत हो रही है। उसके बच्चे आपको आपको अम्मी कहेंगे, तो बदले में मुझे उसको बाप की जगह देनी पड़ेगी ना? आप उनकी औलादों को प्यार करेंगी, तो बदले में वो मेरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगी। इसीलिए आपने मुझसे पूछा था ना अम्मी कि किसी दूसरे घर में जाके रह लोगी कि नहीं, यही वजह थी ना। पर मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। कब तक मामू और मामी के सामने हाथ फैलाओगी? कब तक? ये तो मैं हाथ मामू के आगे फैलाया करती थी, अब तो ये हाथ मुझे अपने शौहर के सामने भरी। तोला जवाल होता।